एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगी मैंने कैसे $500 अर्न किए इन जस्ट फ्यू स्टेप्स। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको सब बताऊंगी और एट द एंड मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हो इस वे से। तो अभी बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से तकरीबन 1 ईयर पहले जब मैं स्किल सीख रही थी और डिफरेंट यूट्यूबर्स की भी मैं वीडियोस देखा करती थी कौन सी स्किल बेस्ट है, किस स्किल को यूज़ किया जाए, किस स्किल को सीखा जाए और उससे अपनी अर्निंग को कंटिन्यू किया जाए, तो उस टाइम मैं डिफरेंट यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखती थी और साथ में मैं ये भी सर्च किया करती थी कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, जो कि एक बहुत ट्रेंडिंग कीवर्ड था। तो मेरे सामने डिफरेंट वीडियोस अपीयर हुई जिनमें से एक वीडियो थी सर आज़ाद चाय वाला की, जिसके अंदर वो बता रहे थे कि उन्होंने कैसे डोमेन खरीदी और उन्हें काफ़ी अच्छी कीमत पे उन्होंने सेल किया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि इसके अंदर इतनी स्किल की भी अब ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने डोमेन खरीदनी होती है और उसे आपने वेबसाइट पर जाके सेल कर देना होता है। तो ये वे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वे को आजमाया जाए और मैं खुद इस वे को फॉलो करूं। तो मैंने क्या किया, उस टाइम मैंने डिफरेंट वेबसाइट के नाम सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए कि हम कौन सी वेबसाइट का नाम ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि वो सेल हो सके और उसकी काफ़ी अच्छी हमें प्राइसेस मिल सके। तो मैंने डिफरेंट नाम सर्च किए यूट्यूब के ऊपर भी, मैंने गूगल के ऊपर भी काफ़ी अच्छी सर्चेस की कि कौन सी वेबसाइट का नाम बहुत अच्छा है, कौन से वर्ड, कितने वर्ड होने चाहिए हमारी वेबसाइट के नेम के अंदर कि वो ज़्यादा ट्रेंडिंग जाए और ज़्यादा सेलिंग हो सके वो कीवर्ड। तो विकीपीडिया का नाम तो आपने सुना होगा, विकीपीडिया एक काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है और हर कोई इस वेबसाइट के बारे में जानता है। यहाँ पे हर एक चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और एक इनसाइक्लोपीडिया नाम था वेबसाइट का। जब मैं वेबसाइट के नेम सर्च कर रही थी तो उस टाइम ये दो वेबसाइट मेरे सामने अपीयर हुई थी, एक विकीपीडिया और एक इनसाइक्लोपीडिया। तो मैंने सोचा कि इन दोनों वेबसाइट को अगर मैं मिला के एक वेबसाइट बना दूं और उस पर मैं डोमेन ले लूं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग विकिपीडिया को भी जानते हैं, लोग इनसाइक्लोपीडिया को भी जानते हैं। तो जब इन दोनों को मिला के मैं एक वेबसाइट का नाम रख दूंगी और जब उस पर आर्टिकल पब्लिश होंगे तो ये एक अथॉरिटी मानी जाएगी कि हाँ, ये वेबसाइट ऑलरेडी इस तरह के नाम की वेबसाइट चल रही हैं तो इसके अंदर भी कोई अच्छा ही कॉन्टेंट होगा। तो मैंने इन दोनों नामों को सोच के एक नाम रख दिया, विकी इनसाइक्लोपीडिया। अपनी काफ़ी वीडियोस के अंदर मैंने उसका लिंक भी आपको बताया था और मैं काफ़ी उसके बारे में मैंने डिस्कशन भी की थी विकी इनसाइक्लोपीडिया नेम से। तो जब मैंने ये डोमेन नेम सोच लिया अपने पास तो उसके बाद एक बड़ी बेहतरीन वेबसाइट है गोडेडी, उस पर जाके आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करा सकते हो। तो ये जो नाम मैंने विकी इनसाइक्लोपीडिया सोचा था अपने माइंड में, अब इस नाम को मैं चाहती थी कि ये मैं इस नाम को परमानेंटली ले लूँ, तो मैं गोडेडी पर गई। अब मैं यहाँ पे आपको साइट पर सारा मेथड भी बताऊंगी किस तरह से मैंने गोडेडी के ऊपर अपनी वेबसाइट को रजिस्टर किया। विकी इनसाइक्लोपीडिया को मैं गोडेडी वेबसाइट पर गई, वहाँ पे मैंने रजिस्टर किया और वहाँ पे जिस टाइम मैंने सर्च की तो उससे रिलेटेड किसी के पास भी वैसी वेबसाइट नहीं थी, मतलब उस तरह के नेम की वेबसाइट किसी ने भी नहीं ली हुई थी। ये मैं फर्स्ट थी जो मैंने wikienciclopedia.com के नेम से मुझे ये वेबसाइट का URL मिल गया था, बाई चांस ही मिला था, क्योंकि .com वाली वेबसाइट तो बहुत मुश्किल है। इतना अच्छे नेम की वेबसाइट अगर आपको मिल जाए इतनी कम प्राइसेस के अंदर, आई थिंक उस टाइम मैंने $3 के अंदर मैंने ये एक डोमेन नेम खरीदा था गोडेडी के ऊपर। तो जब ये वेबसाइट मैंने खरीद ली थी उसके बाद मैं कोशिश कर रही थी कि अब मैं इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश करूँ, लेकिन आर्टिकल पब्लिश करने के लिए भी टाइम नहीं था क्योंकि वो तो बस फिर बंदा लिखता ही रहे उसके ऊपर आर्टिकल और मेरी फील्ड आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड नहीं थी। एक बड़ी बेहतरीन वेबसाइट थी आफ्टरनिक वेबसाइट, जिसके अंदर आप अपनी डोमेन को रजिस्टर करा सकते हो और वो आपकी वेबसाइट को जिसे रिक्वायर्ड होती है उस तक पहुंचाती है और वो बंदा परचेज करता है और आपको उसके पैसे मिलते हैं। तो आफ्टरनिक बड़ी बेहतरीन वेबसाइट थी। उस टाइम मैंने अपना जो डोमेन नेम मैंने खरीदा था गोडेडी पर वो मैंने आफ्टरनिक पे जाके पब्लिश कर दिया। आफ्टरनिक मैंने ओपन किया, वहाँ पे मैंने अपना अकाउंट बनाया और अपनी वेबसाइट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उन्हें दे दी और मैंने उस टाइम ये कहा था कि हाँ, अगर ये वेबसाइट सेल हो जाती है तो मुझे इसके $500 मिलने चाहिए, $500 मिलने चाहिए। उस टाइम ये मैंने बहुत कम लिख दी थी ये प्राइस, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बेहतरीन वेबसाइट का URL है अकॉर्डिंग टू मी, और ये अगर मैं $2,000 भी लिख देती तो ये उसमें भी परचेज हो जाती और उसमें भी ये सेल हो जाती, क्योंकि ये वर्ड ही बहुत बेहतरीन था उस टाइम। मैंने वहाँ पे इसकी पेमेंट लिख दी थी कि अगर कोई यूज़र इसे बाय कर रहा है तो वो $500 देगा, जिनमें से 100 कमीशन होता है आफ्टरनिक का कि वो उसमें से 100 खुद रख देते हैं और बाकी 400 वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मैंने क्या किया कि वो जो वर्ड मैंने डोमेन नेम ली हुई थी आफ्टरनिक पे, मैंने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली लिख दी और उसके बाद मैंने उसे वहाँ पे पब्लिश कर दिया कि हाँ, अगर कोई यूज़र इसे लेगा तो अब वो इतने पैसे देगा और ये डोमेन नेम उसका हो जाएगा। मैंने जस्ट $3 यूज़ किए थे और ये डोमेन नेम खरीदा था
और उसके बाद 1 मंथ के बाद मुझे मैसेज आया, मुझे मेल आई कि आपने जो अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम हमें दिया था वो परचेज हो गया है, वो किसी ने बाय कर दिया है और अब आपको उसके $400 मिलेंगे। उस टाइम ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ थी कि हाँ, मैंने इतनी अच्छी अर्निंग, मैंने जस्ट $3 से मैंने $500 तक का मैंने कमीशन हासिल किया। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी और मुझे लगा कि मुझे ये आपसे शेयर करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए कि मैंने किस तरह से इतनी अर्निंग की थी। साइट पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगी कि आफ्टर निक पे मुझे जो परचेज हुई, जो मुझे पेमेंट मिली, उसका भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट बता दूंगी। और ये एक बहुत बेस्ट वे है जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। आप मिलियंस में भी इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हो, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं था, मैंने $500 ही जस्ट लिखा था, लेकिन ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है मेरे लिए। तो अभी नेक्स्ट टाइम भी मैं अब सोच रही हूँ कि मैं काफ़ी अच्छे अच्छे नाम सेलेक्ट करूँ वेबसाइट से रिलेटेड और उन्हें मैं बाय करके उन्हें इसी तरह से मैं सेल करूँ। बहुत ज़्यादा वेबसाइट हैं जहाँ पे आप होस्टिंग ले सकते हो, जहाँ पे आप डोमेन ले सकते हो और जहाँ पे आप उन्हें सेल कर सकते हो, लेकिन आफ्टर नेक मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, कोई भी यहाँ पे इश्यूज नहीं होते, आपको सब कुछ सामने आपको नज़र आ रहा होता है, आप हर एक स्टेप को प्रॉपरली अरेंज करते हो और उसके बाद आप वहाँ से अपनी पेमेंट को ले लेते हो। तो ये सब था मेरा प्रोसेस कि मैंने किस तरह से अपनी वेबसाइट, अपनी डोमेन नेम को सेल किया और मैंने वहाँ से अर्निंग की। इसके अलावा आपको मैंने एक रील बनाई थी जिसके अंदर मैंने digitalmedia.com वेबसाइट से रिलेटेड आपको बताया था कि देखिए, ये जस्ट एक वर्ड है डिजिटल मीडिया। जिस तरह से मैंने विकी इंसाइक्लोपीडिया नाम लिया था और उस पर मैंने डोमेन ले ली थी और उसे मैंने परचेज किया था इतने में, तो इस तरह से ही एक वेबसाइट है डिजिटल मीडिया। इन्होंने जब डोमेन ली है, अब ये इसे सेल करना चाहते हैं और मैंने आपको बताया था कि इसकी प्राइसेस कितनी है, मिलियंस के अंदर हैं। जो डिजिटल मीडिया खरीदेगा वो मिलियंस में इन्हें पैसे देगा और उसके बाद जस्ट ये एक वर्ड डिजिटल मीडिया अपने नाम कर देगा। आप खुद देख लें कितना ज़्यादा बेनिफिट है इसके अंदर कि जस्ट आप कुछ डॉलर्स के अंदर, थोड़ी बहुत तो इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपने की $3 to $4 और डोमेन ले ली और उसे आपने सेल कर दिया। ये सब था मेरा प्रोसेस जिसके अंदर मैंने अपनी वेबसाइट को सेल किया और उससे परचेज की। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर आप इस तरह से सेल करना चाहते हो अपनी वेबसाइट, अपनी डोमेन आप लेके सेल करना चाहते हो, आप किस तरह से करोगे। पहले आप गूगल पे चले जाओगे और यहाँ पे आपने वेबसाइट नेम की सजेशन लेनी है। तो आप क्या करोगे, आप सर्च कर दोगे बेस्ट वेबसाइट नेम्स, तो आपके पास देखे नीचे डिफरेंट रिजल्ट ओपन हो जाएंगे बेस्ट वेबसाइट नेम से रिलेटेड। अभी आप यहाँ पे इमेजेस पे भी क्लिक कर सकते हो, नीचे वेबसाइट पे भी क्लिक कर सकते हो। मैं इमेजेस पर क्लिक कर देती हूँ। अब जब मैंने इमेजेस पे क्लिक कर दिया तो देखें डिफरेंट वेबसाइट की इमेजेस ओपन हो गई हैं जो नेम की सजेशन दे रही हैं कि आप ये वाला नाम चूज़ करो। इसके अलावा अगर आपने कोई खुद नाम सेलेक्ट किया हुआ है कि मैं वेबसाइट इस नेम से बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आपने उस नेम को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने गूगल पर चले जाना है और लिखना है GoDaddy। अब ये वेबसाइट आपने यहाँ पर ओपन कर देनी है। यहाँ पर ऊपर देखें लिखा हुआ है फाइंड योर डोमेन। अब आपने यहाँ पे अपनी डोमेन नेम जो भी आपने सेलेक्ट कर दिया है उसे आपने यहाँ पे लिख देना है और आगे आपने देखना है ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। लेट्स सपोज मैं लिख देती हूँ विकी ग्लोब कोई भी एक डोमेन नेम और मैं सर्च करती हूँ। अब देखें ये डोमेन नेम अवेलेबल है लेकिन ये 2 लाख समथिंग इसकी प्राइस है। इतने में ये आपको wikiglobe.com वेबसाइट आपको मिल जाएगी लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। नीचे देखें और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट हैं विकी ग्लोब से रिलेटेड लेकिन वो .com नहीं है, .co है, .different है यहाँ पे। तो अब लेट्स सपोज आपने कोई भी डोमेन खरीद ली है, अब आपने क्या करना है, आफ्टर निक वेबसाइट पे जाना है, गूगल पर आफ्टर निक लिख देना है तो आपके यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे लॉगिन कर देना है या अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपके पास आफ्टर निक का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये देखें डिफरेंट, अब ये देखें पूरा इसका डैशबोर्ड है। अब आपने वो डोमेन जो GoDaddy से आपने खरीदी थी अब आपने उसे यहाँ पे लिस्ट कर देना है। तो आपने लिस्ट डोमेन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आपने वो डोमेन नेम यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके साथ साथ आपने यहाँ पे पे जब आप क्लिक करोगे तो आपसे मजीद ये इन्फॉर्मेशन लेंगे कि आप कितने में इस डोमेन नेम को आप सेल करना चाहते हो। अपना ईमेल सब कुछ आप यहाँ पे दे दोगे और फिर जब कोई भी आप ये डोमेन खरीदेगा तो आपको ईमेल आ जाएगी कि आप ये डोमेन नेम किसी ने बाय कर दी है। ये सब था आज की वीडियो के अंदर अर्निंग से रिलेटेड कि मैंने किस तरह से अपनी डोमेन सेल की, मैंने उससे अर्निंग की। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी साइट पे दिखा दी है कि ये देखिए मैंने इस तरह से अर्निंग की है और ये मेरी पेमेंट का मेथड है सारा। इसके अलावा मैंने आपको भी बताया है कि अगर आप इस तरह से अर्निंग करना चाहते हो तो आप कैसे नाम सेलेक्ट करोगे वेबसाइट का, कैसे उसे उसकी डोमेन लेके उसे आप सेल करोगे। लेकिन जस्ट ये है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये नहीं है कि एकदम जस्ट आपने डोमेन नेम डाला आफ्टर निक पर और आप बैठ जाओगे बस अभी मुझे पैसे मिलेंगे और मैं इससे कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता।
ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि बस आपने डोमेन नेम ऑफ्टरनिक पे डाल के भूल जाना है कि आपने कोई वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की थी। 1 to 2 month के बाद जब कोई उसे वहाँ से बाय करेगा तो खुद ही आपको वो मेल कर देंगे और उसके अंदर आपको बता देंगे कि आपकी ये वाली वेबसाइट, ये वाली डोमेन बाय कर दी है किसी ने। तो ये आपने ऐसा नहीं करना कि जस्ट आप बस इसी पर डिपेंड कर दो कि अब मुझे इसी के पैसे मिलने हैं तो तभी मैंने अपना कुछ स्टार्ट करना है। साथ साथ अब देखो, साथ साथ आप अपनी स्किल इंप्रूव करो। कोई भी स्किल आप सीख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, कुछ भी सीख रहे हो, साथ साथ आप उसे सीखो और उसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल करो। साथ में ये एक सेकंड वे ये है कि आप इस तरह से अपनी डोमेन ले लो, इस तरह से आप सेकंड बिजनेस स्टार्ट कर दो अपना। ये बहुत बेस्ट है ताकि आपकी स्किल भी इम्प्रूव हो जाए और सेकंड वे में आपको ये भी पता चल जाए कि आप देखो किस तरह से वर्ड सेल कर सकते हो और उससे इतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। इन मेथड्स को आप फॉलो करें और अपने करियर को इसमें कंटिन्यू करो। बहुत बेस्ट वे है, आप मिलियंस में अर्निंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप में से 30% ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन 70% ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप किसका वेट कर रहे हो? चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।